हाँ जी हैं रियलाइज, रियल कहते हैं वास्तविक को। वास्तव में हम क्या हैं? देह हैं या आत्मा हैं? डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, आदमी हैं, औरत हैं, बच्चा हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, क्या हैं? कोई से पूछो तुम क्या हो, बच्चा होगा तो कहेगा मैं बच्चा हूं। बुड्ढे से पूछो तो क्या हो, मैं बूढ़ा हूं। डॉक्टर से पूछो तो क्या हूं, मैं डॉक्टर हूं। आखिर जब जन्म लिया था तो डॉक्टर थे नहीं थे ना? जब जन्म लिया था तब नौजवान थे, बूढ़े थे नहीं थे? तो आखिर में तुम क्या हो, वास्तव में तुम क्या हो? आत्मा है। तो ये वास्तविकता को जानना यही रिलीजन है। रिलीजन माने रियलाइजेशन किया हुआ। रियल माने वास्तव। क्या हम रियल हैं कि नारियल हैं? हैं? रियल हैं। रियल में क्या है? आत्मा है। रियल में हम आत्मा हैं। और हमारा बाप क्या है? आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। ये सदैव याद रहना चाहिए। और मेरी मातृभाषा हिंदी है या संस्कृत है? मात्र माने क्या? माता। वास्तव में हमारी माता कौन है? कौन है? अरे ब्रह्मा हमारी माता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाली माता है, उसकी पूजा होती है भारत में। या क्लीन शेव वाली स्त्री चोले वाली माता है? हमारी माता कौन है? स्त्री चोला वाली माता है। नाम है जगदम्बा। मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए ये चोला गाया नहीं जाता, पूजा नहीं जाता, जगदम्बा पूजी जाती है। तो जगदम्बा हमारी मात्र है, माता है। और जगदम्बा जब संपन्न स्टेज प्राप्त करती है तो सारे जगत की अम्बा है या पहले भारत की अम्बा है? हैं? हैं? जगत की अम्बा। जगत कहते हैं 500 करोड़ को। नई दुनिया बनेगी तो जगदम्बा होगी या नहीं होगी? हैं? नई दुनिया में जगदम्बा का पार्ट होगा या नहीं होगा? आत्मा अपना पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? बजाएगी। लेकिन वो जगदम्बा अपना वर्षा दे देती है इसको, लक्ष्मी को, जिसको भारत माता कहा जाता है। तो भारत माता देवी है, जगदम्बा देवी है, यह संपूर्ण स्टेज में सिर्फ ब्राह्मण ही है? देवी है। और जो देवी होती है, देवता होते हैं, उनकी भाषा बोलचाल में भाषा होती है या इशारे की भाषा होती है? इशारे की भाषा होती है। तो हमारी भाषा न संस्कृत है, न हमारी भाषा हिंदी है,
संस्कृत से भी पहले हमारी भाषा वेदों की भाषा थी, वैदिक भाषा कहते हैं उसे। बौद्धियों के जमाने में पाली और प्राकृत भाषा थी, वो भी द्वापर युगी भाषाएं हैं। हमारी असल में जो भाषा थी हल्की भाषा थी, आंखों के चलन से ही, चेहरे के घुमाने से ही हमारी भाषा का पता चल जाता था। हम वाइब्रेशन की भाषा से बोलते थे या आवाज से बोलते थे, वाइब्रेशन की भाषा थी, इशारे की भाषा थी, हमारी बोल बोल की भाषा नहीं थी। असुर जो होते हैं उनकी भाषा कैसी होती है, और देवताएं जो होते हैं उनकी भाषा में कोई अंतर होता है या नहीं, क्या खास अंतर होता है? असुर राक्षस या दैत्य जोर से बोलते हैं और देवताएं धीमी भाषा, धीमा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। और श्लोक में आया है, एक श्लोक आया है, श्री गुरु भट्ट उसका बेहद क्या है? जो शंकर जी है वो इस समय स्थूल डमरू बजाते हैं या सूक्ष्म बेहद का जमरू है? सूक्ष्म डमरू है वो। डमरू जो है वो दो दो बातें बोलता है, दो तरफ बजता है, या एक तरफ की ही आवाज करता है, दो तरफ आवाज करता है। वो द्वैतवादी है। जहां द्वैतवादी होते हैं वहां आर्टिफिशियल भाषाएं बनाई जाती हैं। ये संस्कृत भी आर्टिफिशियल भाषा है, मनुष्यों की बनाई हुई भाषा है। इसलिए संस्कृत का कोई भी ग्रंथ इतना पुराना नहीं है जितना प्राकृत पाली और वैदिक भाषा है। इससे साबित होता है कि संस्कृत भाषा तो द्वापर में बनाई गई है, शंकर जी ने नहीं बनाई। वास्तव में इस समय संगम युग में जो शंकर जी का चैतन्य में पार्ट बजाने वाला, दोनों तरफ पार्ट बजाने वाला, भक्ति मार्ग की भी बातें करता है फिर ज्ञान मार्ग की बातें करता है, वो डमरू ही है। वो डमरू उनके त्रिशूल पर लटका रहता है। जब डमरू बजाते हैं एक टांग पर खड़े होकर के तो विनाश हो जाता है। आदि में भी विनाश अनुदा हुआ है और अंत में भी विनाश अनुदा हुआ है। उसकी शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। संक्षेप्तर में बोला था कब विनाश होगा। विनाश की घोषणा कौन से वर्ष की गई थी? है संक्षेप्तर की गई थी। तो संक्षेप्तर में पहला लिटरेचर भाषा का छपाया गया। उससे पहले कोई भी लिटरेचर नहीं छापा गया था। उस लिटरेचर का नाम था एडवांस में शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ये चैतन्य डमरू की भाषा थी। वो भक्ति मार्ग में जो स्थूल डमरू दिखाते हैं उसमें से कोई भाषाएं नहीं निकली थी। वही आत्मा द्वापर युग में जाकर के भाषाओं का सृजन करती है। और सब आत्माएं आती रहेंगी एक एक करके। हाँ एक बात तो समझ लो, फिर तुम लंबे और बाद में लगाना।
जो मुरली में आया सन 68 में, 68 की मुरली में, कि सन 76 से सब आत्माएं आती रहेंगी, इसका मतलब है कि जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो सन 76 से ज्ञान में, असल जो ज्ञान है रियलाइजेशन का ज्ञान, उसमें आते रहेंगे, एडवांस में आते रहेंगे। के माने अज्ञान काल में से उतर करके ज्ञान काल में आते रहेंगे। परमधाम में आत्मा जड़वत पड़ी होती है या चैतन्य होकर पड़ी होती है? जड़वत होती माने अज्ञानी होती है। वहां से आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हैं तो चैतन्यता में आती है, जागृत अवस्था में आती है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में सन 76 से आत्माओं का आगमन होता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, आत्मिक स्टेज में आती है। सन 76 से पहले आत्मा थे या देहभान में थे? देहभान में थे। पहली पहली कौन सी आत्मा आती है जो अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानती है? अरे नारायण, नारायणी, और नंबर बार फिर और आगे है। 500 करोड़ आत्मा ही होगी, आत्मा ही होंगी। माना सुसुप्त अवस्था में होती है, अज्ञान काल में होती है, 76 से ज्ञानी बनकर के आती है। और हाँ जी, अमृतसर वाले ऊंची से ऊंची स्टेज वाले जो होंगे वो कौन से वर्ण के होंगे? कौन से वंश के होंगे? हैं? ऊंचे से ऊंचा वंश कौन सा है? सूर्यवंश। और जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, सूर्य तो बाप है, सूर्य क्या है? जगत पिता है। तो जगत पिता के बच्चे कहाँ सोएंगे? कहाँ सोएंगे? अरे अम्मा के कमरे में ही तो सोएंगे, और कहाँ सोएंगे? तो जगत पिता के बच्चे, लेकिन उनके सोने का स्थान जगदम्बा का कमरा है। माना जगदम्बा का जो अपना स्थान है उसमें सोते हैं। सोते हैं का अर्थ क्या होता है? ज्ञान में है या अज्ञान में है? हैं? सोने का मतलब क्या होता है? अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं जगदम्बा की गोद में। माना जगदम्बा के कमरे में है माने अज्ञान नींद में है। जो बच्चे जगदम्बा के कमरे में नहीं है, बाप के कमरे में है, तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? ज्ञानी बच्चे हो गए। और फायर डॉट सेंसर कैसे पहुंच गई है? बाबा जी, ब्रह्मा बाबा जी फायर डॉट सेंसर कैसे पहुंच गई? क्या क्या बोलो बोलो बोलो। हाँ, लिखा है कि बाबा जी सेंसर और फायर वहाँ रखा था, कोई आत्मा कहीं संदेश लेकर के
उन्होंने देखा बाबा ने उनको हस्त पत्र भी दिया बाबा ने उसको हस्त पत्र दिया किसको दिया आत्मा को कौन सी आत्मा को आत्मा कैसे आत्मा तो बिंदी होती है उस आत्मा ने जो शरीर धारण किया वो शरीरधारी कौन था वो तो याद नहीं बाबा तो पूरी बात पहले समझो फिर उसके बाद पूछना अधूरी बात नहीं पूछो सूक्ष्म शरीर नहीं होता है उनका हाँ तो सूक्ष्म शरीर का भी कोई नाम होगा कि नहीं होगा फरिश्तों का भी नाम होता है या नहीं होता है हाँ तो आत्मा का नाम नहीं होता है शरीर का तो नाम होता है हाँ जैसे ब्रह्मा है तो सूक्ष्म बतनवासी लेकिन नाम तो है विष्णु है तो सूक्ष्म बतनवासी हाँ तो कोई होगा नाम बताओ तभी तो अर्थ निकलेगा पूरा याद करके आओ बड़ी सभा में पूछने के लिए याद जरूर चाहिए आधा प्रश्न याद है और आधा याद ही नहीं है तो जवाब कैसे मिलेगा हाँ जी और किसी ने पूछा है बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख क्यों बंद कर लेती है यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बेहद की बिल्ली है या नहीं है बेहद की माया बिल्ली भी है शक्तिवान में शक्तिवान सीरियल में काली बिल्ली देखी थी कि नहीं देखी थी किसी ने देखा शक्तिवान सीरियल नहीं देखा देखा तो उसमें काली बिल्ली का रोल आया है किसी ने ध्यान से देखा हो तो दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है वो तो होती है हद की बिल्ली ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद की बिल्ली है उसकी आंख हद की होगी कि बेहद की होगी कौन सी आंख ज्ञान की आंख वो ज्ञान की आंख बंद करके पीती है ज्ञान माने समझ समझ की आंख को बंद करके दूध पीती है या खोल करके पीती है, है? बंद करके पी क्या मतलब हुआ माने शब्दों को रट लेती है ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी पार्ट होगा उस खास बिल्ली का उसकी ये खासियत है कि जब भी बाबा की मुरली सुनती है तो तीसरा नेत्र बंद करके सुनती है माने बेसमझी से सुनती है जैसे छोटे बच्चे पाठ को रट लेते हैं बेसिक के बच्चे क्या करते हैं सूरदास के कबीरदास के तुलसीदास के दोहे कवित चौपाइयां रटते हैं कि उनकी गहराई को समझते हैं रटते हैं यानी बच्चा बुद्धि जैसे उनकी तीसरी आंख नहीं खुली है तो जैसे कि आंख बंद करके पीती है गहराई से उसके अर्थ को नहीं समझती इसलिए हद की दुनिया में भी जो बिल्लियां होती हैं जब दूध पीती हैं तो क्या करती हैं अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाँ जी पूछो पूछो नहीं तो क्लास ओवर हो जाएगा है संकल्प और विकल्प रहित होने पर है निल में चले जाते हैं निल बात अलग है निल में जाते हैं सन्यासी क्योंकि उनको कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है याद करने का वो भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं कण कण में व्यापी समझते हैं तो एम ऑब्जेक्ट न होने के कारण बुद्धि कहीं टिकती नहीं है निल में गए
जैसे सुसुप्ति में चले जाते, और हमारा तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या बनना है हमको? लक्ष्मी नारायण बनना है। किसकी याद से बनना है? शिव बाबा की याद से हमको क्या बनना है? विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो शिव बाबा है बिंदी, बिंदी को हम कब याद कर सकेंगे? जब हम खुद अपन को ज्योति बिंदु समझे। तो हम नील में नहीं जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम रियलाइजेशन में जाते हैं, हम रियलिटी में जाते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी, गंगा जी को ऐसी भागीरथी गंगा, हाँ भागीरथ के द्वारा लाई गई है, तो उसका नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। भाग्यशाली रथ के द्वारा लाई गई, इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ गया। और भागीरथ कहा जाता है भाग्यशाली रथ को। भाग्यशाली कब बनते हैं? जन्म जन्मांतर के भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कब बनते हैं? कहां बनते हैं? संगम युग में बनते हैं। तो संगम युग में सबसे जास्ती भाग्यशाली कौन बनता है? है नारायण बनता है। ऐसा भाग्यशाली बनता है जो शास्त्रों में गायन है कि नारायण ने विश्व का मालिक बनने से पहले ढेर सारे युद्ध जीते, और किसी भी युद्ध में उनकी हार नहीं हुई, हमेशा जीत ही जीत होती रही। और तो भाग्यशाली हुआ कैसे बनते हैं भाग्यशाली? याद से भाग्यशाली बनते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चार सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय ज्ञान के। उनमें याद है सबसे मुख्य। याद में पास हो गया तो पास हो गया, और याद में फेल है और तीन सब्जेक्ट में पूरा पूरा पास है तो भी फेल का फेल ही कहा जाएगा। तीन सब्जेक्ट में पूरा फेल है, जैसे बुढ़ियों के लिए कहते हैं उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं, बुढ़ियों को कुछ ज्ञान बुद्धि में ठहरता ही नहीं, सारी ताकत बुद्धि की बाल बच्चों में चली जाती है, जैसे खाली हो गई बुद्धि। परंतु उनकी याद, याद तो पक्की होती है, तो याद के आधार पर ही वो बुढ़िया जन्म जन्मांतर का भाग्य ले लेती है। ऐसे ही बांधेली माताएं, बांधेली माताओं की भी याद बहुत तीखी होती है, सेवा भी नहीं कर सकती बांधेली होने के कारण, ज्ञान में भी ज्यादा गहरी नहीं जा सकती बांधेली होने के कारण, धारणाएं भी ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि कुसंग लगा पड़ा है। तो ऐसी बांधेली माताओं को कौन सा सब्जेक्ट विशेष पक्का होता है? याद। तो याद में कौन सा देवता है जो सबसे जास्ती तीखा जाता है? है विश्वनाथ शंकर। तो याद की इतना महत्व है। बाबा लाखों में एक सुहागिन सदा सुहागिन रहती है, फिर भी अंत में विधवा क्यों हो जाती है? ये कहां से ज्ञान निकला है?
ऐसी ज्ञान सुहागिन जो सदा सुहागिन रहने का जिसको वरदान मिला हुआ है वो अंत में विधवा बनती है क्या? बनती है? ये किसने बोला? है तो झूठी बात बोल दी। सदा सुहागिन बनती है पार्वती, वो किसी जन्म में विधवा नहीं बनती। उसी का दूसरा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी विधवा बनती है क्या? ये कहां से उठा लिया ज्ञान? शांतनु की शादी गंगा के साथ हुई, शादी थोड़े ही हुई, शादी हुई क्या है? ब्राह्मण ने आके के वेद सूत्र वगैरह गाए क्या? मंत्र मंत्र उच्चारण किए क्या? नहीं, शादी थोड़े ही हुई, एक दूसरे मिले और शांतनु ने गंगा जी को धारण कर लिया, इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है? शांतनु का ही दूसरा नाम है गंगाधर। क्या किया गंगा का? धरावना कर लिया, गंगा को धरावना कर लिया माने धारण कर लिया। शादी नहीं हुई जैसे पार्वती के साथ शादी होती है। हाँ, तो शांतनु की गंगा के साथ चलो सिट्टा जोरी हुई, तब गंगा ने कहा मैं जो भी करूं मुझे टोकना नहीं। क्या शांतनु से क्या कहा? मैं जो भी करूं मुझे टोकना नहीं। तो शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली या अस्वीकार करी? ये कड़ी शर्त थी या सामान्य शर्त थी? कड़ी शर्त थी। ऐसी कड़ी शर्त को भी शांतनु ने क्यों स्वीकार कर लिया? इसका कारण क्या हुआ? उनका नाम शांतनु क्यों पड़ा? ऐसा क्या काम किया जो नाम शांतनु पड़ा? देवान की लाग लगी पड़ी थी, शांति नहीं थी। नो शांति अटाल, तो नाम क्या पड़ गया? शांतनु। तो जिसको आग लगी हुई होती है देवान की, वो कोई भी शर्त क्या करेगा? कोई भी शर्त स्वीकार कर लेगा। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली कि तुम जो भी करोगे हम टोकेंगे नहीं। अगर मुझे टोका रोका टोकी की तो मैं चली जाऊंगी। इसका कारण तो बता दिया। इस शर्त को स्वीकार करने का कारण हुआ शांतनु का क्या? देवहन। और वो जो सात पुत्र पैदा हुए वो कौन थे? जिनको गंगा ने नदी में बहा दिया। वो नदी कौन सी थी? है? अरे वो ही नदी थी जिसको कहते हैं विषय वैतरणी नदी, जो कंस के लिए गायन है। कंस ने सात पुत्रों के लिए क्या किया? सात पुत्रों को बध कर दिया। ज्ञान में बध करना किसे कहा जाता है? ज्ञान में किसी को मार देने का मतलब क्या हुआ? भिखारी बना देना। तो जैसे कंस ने भिखारी बना दिया,
विषय वैतरणी नदी में डुबा दिया। ऐसे ही शांतनु की पत्नी गंगा ने क्या किया, सात पुत्रों को विषय वैतरणी नदी में डुबा दिया। आठवां बच गया, उसने अपनी शर्त तोड़ दी तो गंगा चली गई। क्या लिखा है, ऐसी कोई गाथा कहानी है इस एरिया में? एक आत्मा से, ब्रैकेट में लिखा स्त्री, एक स्त्री से किसी गांव में सुना है कि होली के बाद दो सूरज निकले, इसका अर्थ क्या है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो मुरली में, अव्यक्तवाणी में, ज्ञान में कभी इनका कनेक्शन ही नहीं। भक्ति मार्ग की बातें किसी ने सुना दी झूठी सच्ची, सत्य वचन महाराज होकर के बुद्धि में बैठ गई, अब वो ही बुद्धि में चल रहा है। ऐसी कोई बात सुनी किसी ने है? ऐसी कोई किंवदंती है किसी गांव की स्त्री की? पपरेंदा में क्या करे, अफवाह है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। बाबा बोली पॉइंट था, जो बच्चे सद्गुरु, जो बच्चे परम शिक्षक बाप से शिक्षा नहीं लेते हैं, जो बच्चे परम पिता शिक्षक से बाप नहीं लेते, नहीं सुनते हैं, शिक्षा नहीं लेते हैं, और जो बच्चे परम तो सद्गुरु बाप से सद्गति नहीं लेते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं कहेगा। ऐसा कौन सा बच्चा है, आत्मा रूपी बच्चा 500-700 करोड़ में, जिसकी एक जन्म की सदगति नहीं होती है और वो सदगति बाप से नहीं मिलती है? दुनिया में ऐसे कोई आत्मा रूपी बच्चा है, है? एक जन्म की सदगति तो सबको मिलती है, तो ये बात तो आपकी झूठी है। मुरली पॉइंट हो ही नहीं सकता। ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो भगवान बाप से एक जन्म की कम से कम सदगति न लेती हो। हर बच्चे को एक जन्म की सदगति जरूर मिलती है। मुरली में बोला है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कहां की बात है ये, संगम की? कहां से कहां तक है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल है? अरे 5000 अलग रहे, सन 36 में मिल गए, 2036 में मिल गए, फिर मिल गए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा 2000 में तुमको मिल गए, किसको मिल गए? तो 5000 वर्ष क्यों कहते हो फिर?
हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया की ये गायन है क्या? ये बाहर की दुनिया का गायन नहीं है, ये कहाँ की यादगार है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये संगम युग का यादगार है कि सन 36 से लेकर के 76 तक खास लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा के लिए ये बात लागू होती है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, 40 साल तक अलग रहे, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, जब सदगुरु के रूप में परमपिता परमात्मा पढ़ाई पूरी होने पर सदगुरु के रूप में पार्ट बजाता है तो बड़ा सुंदर मेला लगता है इस सृष्टि पर, उसको कहते हैं गंगा सागर का मेला। अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? हैं? शुरू हो गया, गंगा और सागर दोनों मिल गए, माने तुमको गंगा का पता लग गया है गंगा कहाँ है। अरे मिल गए और तुम्हें पता है तो गंगा का पता लग गया होगा ना, पता लग गया। अरे इसका मतलब ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, उनमें से जो मुख्य ज्ञान गंगा है वो अभी प्रत्यक्ष होने वाली है, अभी प्रत्यक्ष हुई नहीं है, प्रत्यक्ष होगी तो यमुना नदी भी उसमें आके मिल जाएगी, सरस्वती भी मिल जाएगी, तीनों नदियों का संगम हो जाएगा, वो संगम भी झूठा रहेगा। असली संगम तब होगा जब वो गंगा नदी जाकर के गौहट्टी में मिलेगी, गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से, फिर जाकर के सागर में मिलती है, उसको कहते हैं गंगा सागर का मेला। अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। हट्टी आत्मा वो है जो गऊ कही जाती है, है तो गऊ लेकिन स्वभाव संस्कार से बड़ी हट्टी है, हट्टी स्वभाव संस्कार की है, और गैया सहज और सरल स्वभाव की है, और वो गैया बहुत हट्टी स्वभाव की है, जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। देवियां कितनी मानी जाती हैं? 9 देवियां। 9 देवियों में सबसे स्वभाव संस्कार की कठोर कौन सी है? हैं? महाकाली, वो ही हट्टी गऊ है। उसकी यादगार में नाम पड़ता है गौहाटी, है ऊंची स्टेज वाली लेकिन स्वभाव संस्कार से बहुत हट्टी स्वभाव संस्कार की है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर के गौहाटी से गुजरती है तब परिवर्तन शुरू होता है। जगदम्बाई महाकाली बनती है, छोटी माई तो ब्रह्मपुत्र है जो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, अंत में आकर के सागर में मिलती है। गंगा पहले ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी या सागर से मिलेगी? जब तक ब्रह्मपुत्रा से गंगा आकर न मिले तब तो गंगा मैली की मैली ही रहती है, ब्रह्मपुत्रा से आकर के मिलती है फिर परिवर्तन आता है, और गंगा जो सीधी ठेठ पूरब की ओर बह रही थी वो फिर दक्षिण में जाकर के सागर से मिलती है। जगदम्बा के लिए कहते हैं कि वो कमल फूल समान जीवन बिताती है,
उसकी बुद्धि में एक शिव बाबा ही होगा। फिर ये भी कहते हैं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझती है, जगदम्बा सतोप्रधान रूप है या जगदम्बा तमोप्रधान रूप है? है जगदम्बा का सतोप्रधान रूप है और महाकाली का तमोप्रधान रूप है। जब सतोप्रधान रूप है तो बात दूसरी है। सच्ची गीता से मिलकर के रहती थी यज्ञ के आदि में, और जब तमोप्रधान बनती है तो खुद को ही गीता समझने लग पड़ती है, मैं ही सच्ची गीता हूं, बात बदल जाती है और कृष्ण को गीता का भगवान समझती है। शिव बाबा 50 साल रहते हैं, इस सृष्टि पर माना 76 से प्रत्यक्षता 2027 तक होती है, 50 वर्ष में 2027 तक बाप रहते हैं, फिर बच्चा बाप समान बन जाता है, तो क्या शिव बाप चले जाते हैं? है? चले जाते हैं या रहते हैं? है? चले जाते हैं वो कैसे पता चलेगा, और रहते हैं उसका कैसे पता चलेगा? जबकि बाप का बच्चा ही बाप समान बन गया। शिव शंकर स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो गए, तो पता कैसे चलेगा चला गया है रहा हुआ है? है? पारसनाथ है? बाप समान बन गया तो शिव बाप चला जाता है या रह जाता है? शिव बाप सदा कायम नहीं है, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। शिव बाप तो सदा कायम नहीं है, 5000 साल इस सृष्टि पर आत्माओं का बाप कायम नहीं रहता है, लेकिन शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। तो पूछने वाले को शिव बाबा चाहिए या विधर्मियों की तरह शिव बाप बिंदु चाहिए, कौन चाहिए? हाँ, ये किसी ने लिखा है, है? शिव बाबा चाहिए, शिव बाप तो विधर्मियों को चाहिए। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स किसको याद करते हैं? वो शिव बाप को ही याद करेंगे, वो शिव बाबा को याद नहीं करेंगे। और जो अपने धर्म के पक्के हैं, देवी देवता सनातन धर्म के, किसको याद करेंगे? वो शिव बाबा को याद करेंगे। तो बाबा ये कहा ना कि मैं 100 साल के लिए आता हूँ संगम पर, तो मतलब 100 साल तो कंप्लीट नहीं होंगे ना? शिव बाबा ने बोला। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला है, शिव बाप ने बोला? सदा कायम कौन है? शिव बाबा है, उसी में शिव बाप आकर बोलते हैं। संगम युग बताया है 100 साल का, आग लगकर जब पूरी होगी तो मैं चला जाऊंगा, फिर मैं इस सृष्टि पर रहकर क्या करूंगा? तो आग लगकर कब पूरी होगी? जब 500-700 करोड़ साहब अपना पुराना शरीर छोड़ देंगे। वो तो 36 तक होगा ना? हाँ जी। करने जाते हैं जब उसमें पाया जाता है।
हाँ जगदम्बा कमला देवी दीक्षित हमारी माता है, जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, ये लिखाया जाता है। लिखाया जाता है तो तुम झूठा ही लिख देती हो कि बुद्धि में बैठता है तब लिखती हो, बुद्धि में बैठता है। हाँ हाँ वो जगत की अम्बा है या भारतवासियों की अम्बा है? जगत की अम्बा है। तो जगत में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चांडाल सब हैं कि सिर्फ ब्राह्मण हैं, देवता हैं? बोलो, सब हैं। तो तुम भारत माता के बच्चे बनना पसंद करते हो या जगत के बच्चे बनना पसंद करते हो? हाँ लिखवाया इसीलिए जाता है कि तुमने अभी भारत माता को पहचाना ही नहीं होगा। पहचाना होता तो बच्चा माँ के बगैर रह सकता है क्या? छोटा बच्चा हो वो माँ के बगैर रहेगा नहीं? तो तुम्हें पहचान ही नहीं है अभी असली माँ की। पहचान होगी तो तुम्हारा दिल त्राहि त्राहि करने लगेगा, आ जाओ आवाहन करने लग पड़ेंगे। अभी आवाहन कर रहे हैं, किन का आवाहन नहीं करना? किसका आवाहन नहीं करना? तुम करो आवाहन, क्यों तुम्हें दूसरे धर्म में जाना है? तो जिनको जिनको देवी देवता सनातन धर्म में जाना होगा वो छोटी माँ को आवाहन करेंगे या बड़ी माँ को आवाहन करेंगे? आ तुम्हारी बुद्धि में बैठा हो तो लिखो कि तुम जगदम्बा माँ के बच्चे हो। अभी छोटी माँ है रंगमंच पर तो नहीं है, तो लिखोगे कहाँ से? जो है हाँ घूंघट में है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही अभी। जो ज्ञानी तू आत्मा है उनको दिखाई भी पड़ रही है कि है तो, लेकिन रावण संप्रदाय के चक्कर में आ गई है, माया के बंधन में आ गई है सीता। क्या नहीं समझ में आ रही? चाहिए ना तो चाहिए, तो मना कहाँ है? तुम आवाहन करो अम्मा का। तो तुमने जब निश्चय नहीं हुआ तो तुमने दस्तखत झूठे क्यों कर दिए? तो वापस चली आती तुम, फिर वही निश्चय है नहीं है। एक बात बोलो ना, अरे भारतवर्ष में एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी कर लेते हैं, दूसरी मर गई तो तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, चार चार स्त्रियां कर लेते हैं, ऐसा मुरली में बोला है कि नहीं? बोला है कि नहीं? मुरली में बोला है। तो ऐसे ही प्रजापिता का जीवन, प्रजापिता को ही सारे फॉलो कर रहे हैं। पहली स्त्री तो वो थी जो सच्ची गीता थी, उसके बाद दूसरी गीता है, फिर तो नंबर वार माताएं तो है ना नंबर वार। और एक बड़ी माता होती है और एक छोटी माँ घर परिवार में होती है, तो ये थोड़े ही कहेंगे हम बड़ी माँ को मानते हैं छोटी को नहीं मानते, या छोटी को मानते हैं बड़ी माँ को नहीं मानते। मुरली में आया है त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, सिर्फ शिव को उड़ाई दिया है, उनका विनाश कर दिया है, ठिक कर भीतर में ठोक उनकी लाश को गुम कर दिया है। वो है तो आत्मा ही, खाती भी है। अब बताओ कौन सी आत्मा की बात है? अब भोक्ता आत्मा शिव की बात है या भोक्ता की बात है? वो खाती भी है, भोक्ता है या भोक्ता है? भोक्ता है।
वो खाती भी है, वो ज्ञान का सागर भी है। वो ज्ञान सूर्य है या ज्ञान सागर है? है? सूर्य तो सदैव ऊपर रहता है और सागर तो धरणी से चिपका हुआ रहता है। सागर को प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे या सूर्य को प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे? सागर प्रवृत्ति मार्ग वाला है। तो वो खाती भी है, वो ज्ञान का सागर भी है। ये कौन है समझाइए, बताओ कौन है? त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति में शिव बाबा को उड़ा दिया है। नहीं, शिव बाबा को नहीं, शिव को उड़ा दिया है, उनका विनाश कर दिया है। ठिक कर भीतर में ठोक, उनकी लाश को गुम कर दिया है। इनकी लाश को है? अरे शिव की, यज्ञ के आदि में शिव बाप में आता था या नहीं आता था? आता था। तो वो पहली मूर्ति है, दूसरी मूर्ति है या तीसरी मूर्ति है? सर्वोपरि मूर्ति है या बीच की है या नीचे की है? सर्वोपरि मूर्ति है। सिर्फ शिव को उड़ा दिया है उसमें से। आता तो था शिव उस मूर्ति में, लेकिन फिर उसको उड़ा दिया। किसको? शिव को उड़ा दिया, फिर उसकी लाश को भी गुम कर दिया। इसका मतलब उसकी लाश भी थी जिसमें वो जिंदा था, जीवित था, बाद में उसकी लाश को भी गुम कर दिया। तो किसको गुम कर दिया? प्रजापिता के शरीर को गुम कर दिया। शिव को उड़ाए दिया है, उनका विनाश कर दिया है, ठिक कर भीतर में ठोक दिया है। अब बताओ, जब उनके शरीर को विनाश कर दिया और आत्मा को उड़ा दिया, तो फिर परमात्मा किसमें समझ लिया? अरे ठिक कर बुद्धि कौन है? उसके बाद भीतर बुद्धि कौन है? ब्रह्मा बाबा हो गया ठिक कर बुद्धि। थोड़ी सी ठोकर लगी माया की और प्राण पखेरू उड़ गए। तो ठिकर बुद्धि हुआ ना? कौन? ब्रह्मा बाबा। कब की बात है? हैं? 68-69 की बात है ना? ठिकर में ठोंक दिया है, भीतर में ठोंक दिया है। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर किसमें प्रवेश किया? लोगों ने क्या समझा? किसमें आया? या तो गुलजार दादी में भगवान समझ लिया। जब देखा गुलजार दादी को भी चलाने वाली कुमारका दादी थी, तो कुमारका दादी की श्रीमत पर चल पड़े, तो कुमारका दादी भगवान हो गई, सदगुरु हो गई। तो भीतर बुद्धि है या नहीं है? भीतर माने भीत, भीत माने दीवाल। जो भगवान को पहचानने के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ी हो गई। ऐसे नहीं कि भगवान नहीं, भगवान तो है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा तो प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, लेकिन कोई ये बात समझने के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ा हो गया ब्राह्मणों के सामने। और ब्राह्मणों ने उस बात को, उस बाप को समझ नहीं पाया। इसलिए बोला है त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, सिर्फ शिव को उड़ाए दिया है, उनका विनाश कर दिया है। ठिक कर भीतर में ठोक, कौन हुआ ठिक कर? और उसके बाद कौन हुआ भीतर? ठिक कर हुआ ब्रह्मा बाबा, और भीतर हुआ गुलजार दादी या कुमारका दादी।
बित्तर में ठोंक उनकी लाश को भी गुम कर दिया। किनकी लाश? शिव की लाश। शिव जिसमें प्रवेश करता था चैतन्य में, तो शिव चला गया, उड़ा दिया उसे, तो लाश रह गई। शिव को अलग कर दो और शंकर को अलग कर दो तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। शिव साकार से अलग नहीं हो सकता और साकार शिव से अलग नहीं हो सकता। शिव और शंकर की जोड़ी है, उनको अलग करेंगे तो फिर ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। बाबा, हम सभी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, इसमें से सभी शब्द उड़ा दो। सभी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं कि आसुरी संतान भी बनते हैं बीच बीच में? हैं? आसुरी संतान भी बन जाते हैं। जब आसुरों की मत पर चलते हैं तो आसुरी संतान है या ईश्वरीय संतान है? आसुरी संतान है। तो ये बात तो गलत है कि हम सभी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। फिर भी ब्राह्मण परिवार में आपस में ईर्ष्या देश वैमनस्य क्यों होता है? इसीलिए होता है कि कोई ईश्वरीय संतान है और कोई आसुरी संतान है। अगर किसी से कोई बात हो भी जाए तो आपस में बोलना बंद क्यों कर देते हैं? इसीलिए कर देते हैं, क्योंकि आसुरी संतान है तो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते। और ईर्ष्या देश आ जाता है, एक दूसरे को वैमनस्य पैदा हो जाता है, इसलिए बंद कर देते हैं। हम अपने 84 जन्म में से यह जान गए कि हम पहले ब्राह्मण हैं, और वो तो सभी ब्राह्मण हैं। हम ये भी तो जान गए कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये कोई जानना जानना हुआ? वो तो सभी जान गए ब्राह्मण यहां जो बैठे हैं, क्या हैं हम आत्मा हैं, ये कोई जानना नहीं हुआ। स्पेशल हम जान जाएं कि स्पेशल हम आत्मा कौन है, जो कोई दूसरा नहीं है, जो हमारी आत्मा का पार्ट है वो इनमें से किसी दूसरे का नहीं है, वो जान जाए। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हम अपनी आत्मा के मुख्य पार्ट को जान जाए? कौन सा पुरुषार्थ करें? अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। जो ज्यादा याद करेंगे उनको पहले पता पड़ेगा, जो कम याद करेंगे उनको बाद में पता पड़ेगा।